हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के हेल्प यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट 2013 का ये पेपर है उर्दू का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे हम आज। क्योंकि पहले जो होता था दो पेपर उर्दू का होता था, लेकिन अब क्या हो गया सिर्फ एक ही पेपर होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और पहले टाइम में क्या होता था, दो पेपर होते थे जिसमें सेकेंड पेपर में 50 क्वेश्चन होते थे और थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन होते थे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आगा हसर कब और कहाँ पैदा हुए हैं, अब आपको यहाँ बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, बनारस में हुए थे वो पैदा 1879 में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जिस नज्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है उसे क्या कहते हैं, इसका जवाब हो जाएगा क्या होगा इसका जवाब, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, शहर अशोक, ऑप्शन सी। अगला सवाल चलते हैं। इंशाअल्लाह खान ने उर्दू कवायद की कौन सी किताब तसनीफ की थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, दरिया लताफत उन्होंने लिखी थी, ऑप्शन सी दरिया लताफत। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर आपको बताना है ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ आपको ज़मानी एतबार मिलाना है, यहाँ पर बताना है कि पहले कौन सी किताब लिखी गई, फिर कौन सी। ओके, ये देखिए ऑप्शन चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर। ठीक है, यानी डी, मिरातुल उरूस, मरोजान अदा और दो गज जमीन, कई चांद थे सरे आसमां, ये नीचे दिया है, कई चांद थे सरे आसमां। ओके, चलिए अगले सवाल चलते हैं। चंग और बाब किसके मजाइया का मजमून का मजमुआ है, अब आपको यहाँ बताएंगे जो चंग और बाब किसने लिखा है, ये किसके मजमून का मजमू है, ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है ये। अगला सवाल चलते हैं। ऐवान गज़ल किसकी तख्लीक है, अब यहाँ पे बताइए ऐवान गज़ल किसने लिखा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिलानी बानो। ओके, अगले सवाल चलते हैं। मेरा अगला सवाल है, कसीदे की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवले पर हो तो शेर की एक नहायत ज़रूरी सिंफ है, यह बयां किसका है, बताइए किसका बयां हो सकता है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाली ने बोला है ये। ठीक है, ये हाली का कॉल है। अगले सवाल चलते हैं। हॉस्टल में पढ़ना किसका मजाहिया मजमून है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुत्रस बुखारी का है ये। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं। जिक्र मेरा ही वो करता था सरिहन लेकिन मैं जो पूछा तो खैर ये मजकूरा ना था, किसका शेर है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्द फाजमीर दर्द। ओके, चलिए अगले सवाल करते हैं। एक नज़रिया साज और बामल सूफ़ी की बातनी बसीरत की अक्कासी किस किस शायरी में होती है, अब यहाँ पर ये बताना है आपको, तो उसका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन डी, ख्वाजमीर दर्द। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। उनके कलाम का जोर शोर अनवरी को खानी को दबाता है और नजाकत मजमून में अरफी नज़ीर को शर्माता है, सौदा के कसीदा निगारी पर यह किसका तबसरा है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपके लिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बोला ये। ठीक है चलिए अगले सवाल चलते हैं। कौन सा मजा है जो मजमून पुत्रस का नहीं है? अब यहाँ पर बताना है आपको कि मजमून ये पुत्रस का नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उर्दू की आखिरी किताब ये किसका पुत्रस का नहीं है, बाकी ऊपर के जो तीन दिया ABC ये पुत्रस का है। ठीक है अगले सवाल चलते हैं। झिंगूर का जनाजा किसका इंसाया है बताइए आप? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ओके फौजा हसन निज़ामी। ठीक अगले सवाल चलते हैं। भला तरद्य बेजा से इसमें क्या हामिल, हामिल नहीं अबे हासिल है ओके हासिल, उठा चुके हैं जमींदार जिन ज़मीनों को, सिबली ने अपना कौन सा मजमून दर्ज वाला शेर पर ख़त्म किया है बताइए? क्या जवाब होना चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन थ्री निशी सरस्वती यादव उर्दू लिटरेचर। ठीक है अगला सवाल चलते हैं। हमारा अगला सवाल है ए नफस वफाक में पैदा तेरे आयात, हक ये है कि जिंदा व पाबंदा तेरी जात, ये शेर किस जबान से अदा होता है बताइए? किसकी जबान से ये अदा होता है ये शेर बताइए? किस तो क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थ्री यानी सी। ठीक है ये लेनिन के द्वारा, लेनिन ने बोला ये। चलिए अगला सवाल चलते हैं। इकबाल ने अपनी नज्म अहले मिस्र से मैं साहब इसरार कदीम किसे कहा है? किसे कहा है साहब इसरार कदीम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ओके। चलिए अगले सवाल करते हैं। अगला सवाल है हरम रुसवा हुआ पैर हरम को निगाही से, कम निगाही के क्या माने हैं? अब यहाँ पर आपको माने बताना है कम निगाही का ओके। इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर, ये सबका सही जवाब है। ठीक है चलिए अगले सवाल करते हैं। कौन सी नज़्म सुरूर जहाँ आबादी की है? अब इसमें बताइए सुरूर जहाँ आबादी की कौन सी नज़्म है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक चलिए अगले सवाल करते हैं। मैं खाना अलहाम व नगमा अलहाम किसकी तसनीफ़ात है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थ्री यानी सी साद ओके। अगला सवाल है इम्तियाज़ अली खां और शेख ने कौन सी किताब मुरतब की है? आपको यहाँ पर यह बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दस्तूरुल फसाहत। ठीक अगला सवाल चलते हैं। अगर मुल्क की एक ज़बान होगी तो वो मुनाजात बेवा की ज़बान होगी, ये कॉल किसका है बताइए? क्या सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक। ठीक अगले सवाल चलते हैं। किस शायर के आशिकाना बयान को मामला बंदी से ताबीर करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोमिन ओके। अगला सवाल चलते हैं। कौन सी तसनीफ नज़ीर अहमद की नहीं है? अब यहाँ पर ये बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मजालिन
मजालिस निसा। ठीक, अगला सवाल करते हैं, रुबाई में क्या ज़्यादा करीन क्यास है, आपको ये बताना है। इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आमतौर पर हकीमाना और इखलाकी मजामीन बयां होते हैं। ठीक, अगला सवाल चलते हैं, सौदा का कसीदा शहर असूब नज़्म की किस हैयत में है, अब यहाँ पर हैयत बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मखम्मस में। ओके, अगला सवाल चलते हैं, मकदूर नहीं उसके तजल्ली के बयां का, जो शमा सरापा हुआ अगर सिर्फ जबां का, यह शेर किस शायर के दीवाने के जिलियात का मतला है, किसका है ये। सही जवाब है ऑप्शन बी, ये सौदा का है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, उसका दीवान अगरचा मुख्तसर है लेकिन हाफिज की तरह सरापा इंतखाब है, मीर हसन का यह बयान किसके दीवान के लिए है, क्या सही जवाब हो जाएगा, दर्द, दर्द के बारे में कहा है। ठीक, अगला सवाल है, मेहरबान खां रनत की सरकार से कौन वाबस्ता था, अब आपको ये बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सौदा वाबस्ता थे। ठीक है, अगला सवाल है, दिल तुझे क्यों है कली ऐसी, कौन देखी है अचपली ऐसी, ये किसका शेर है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्द। ओके, ये जो सारे सवाल हैं आपके बहुत काम आएगा, आप टीजीटी में बैठेंगे, एलटी में बैठेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, उसमें उसमें भी आपका बेनिफिट होगा, और नेट का तो बेनिफिट तो होगा उसमें। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके मुफीद होगा सारे सवाल। चलिए, मजमूल इंतखाब क्या है, अब आपको यहाँ पर यह बताना है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये क्या है, तस्करा है। ठीक है, अगला सवाल है, नौकर पेशा और मसाहब पेशा तस्करों में किसके लिए लिखा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसाफी। ओके, नहीं नहीं ये सौदा का है। ओके, सौदा का, ठीक, सौदा का है। चलिए अगले सवाल चलते हैं, देहात जो है मशरफ मदबक के, उसमें से इस नकदी के औज है मुझे सहनक ताम, सौदा ने अपनी मंजूम अर्जी में ये दरख्वास्त किससे की थी, बताइए। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी ए, आसिफुद्दौला से। ठीक है, अगला सवाल है, शायरी के अलावा सौदा का दूसरा शौक क्या था, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ते पालने का। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, दिखलाएं ले जाके तुझे मिस्र का बाजार, ख्वा नहीं कोई वहाँ जिन से गिरा का, इसमें कौन सी सनत है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा तलमी। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं, कुलियात सौदा नस्क मुस्तफाई को किसके शागिर्द ने मुरतब किया था,
अब ये बताना आपको यहाँ पर इसका सही जवाब है शागिर्द मोमिन, ऑप्शन डी। ठीक, अगले सवाल चलते हैं। मशरफी ने सौदा को क्या कहा है बताइए, इसका सही जवाब है नकाश अव्वल। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, अगला सवाल है, सौदा ने रसूल अकरम की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दह में जो कसीदा नज़म किए हैं जमील जालिबी के मुताबिक कितने हैं? ओके, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 14। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं। 18वीं सदी के किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्द। ओके, इन्होंने कोई भी कसीदा नहीं लिखा है। अगला सवाल चलते हैं, हमारा अगला सवाल है करवल कथा के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? अब यहाँ पर ये बताइए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये बयान दुरुस्त है। ठीक है, ठीक, अगले सवाल में चलते हैं। तरक्की पसंद मुसनफिन का अनवान मेरे ख्याल में नाकिस है, ये बयान किसका है? किसका बयान हो सकता है आपके हिसाब से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह ख्याल प्रेमचंद का है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। मन की दुनिया हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, आती और जाती में कौन सी सिनात है बताइए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तजाद। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। रजब अली बेग सुरूर ने फसाना जायब की तकमील किस शहर में की है बताइए, शहर पूछ रहे हैं यहाँ पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कानपुर। ओके, अगला सवाल चलते हैं, हमारा अगला सवाल है हरचंद गवास अक्ल रसा महियत फिक्र में गौता जन वासना हुआ, यहाँ आसना के क्या माने हैं बताइए, आसना का क्या मतलब होता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं। के ये कम तरीन बादशाह ज़्यादा आज़म का है बागो बहार में किस दरवेश ने ये इत्तला अपने बारे में दी है बताइए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे दरवेश ने की थी। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं। नज़रों से गिरा वो तफल अबतर मानी ने सरकशे दीदा तर, नज़र दीदा और अश्क में कौन सी सनत है? अब आपको यहाँ पर यह बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिरातुल नज़ीर। ओके, अगला सवाल है, हर शाख में है शगुफा कारी समरा है कलम का हमद बारी, इस शेर में आम तौर पर क्या एतराज़ वदार होता है? बताइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगले सवाल चलते हैं, हमारा अगला सवाल है अंदाम गुल पे हो न कबा इस मजे से चाक जो खुश शबों के तन पे मसकती है चोलियाँ, किसका शेर है? सही जवाब हो जाएगा सौदा का, ये सौदा का शेर है। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं। अब यहाँ बताना है कुछ सही जमानी तरतीब क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर सही जमानी तरतीब बताना है आपको, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ओके, कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है? अब यहाँ पर ये बताइए आप, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
दरियाए इश्क नहीं है, बाकी मसनवी शादी, शहरुल बयान, गुलजार राम, ये तीनों हैं। ठीक है, अगला सवाल है, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करू बयां, करू बयां के क्या माने हैं? इसका जवाब हो जाएगा फरिश्ते। ओके, यहाँ पर कंप्लीट हुआ आपका 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे गुजारिश है वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।